नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत शर्मा है। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर स्कूल सेमिनार के, वर्कशॉप के, टीवी चैनल्स के, बच्चों के, फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के सभी के वीडियोस आपको देखने के मिलते हैं। इसी सिलसिले में आज जो हमारे मुंबई ऑफिस में ट्रेनिंग हुई है फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस की, हम लोग वीडियो शेयर करने वाले हैं। वैसे हम लोगों की ट्रेनिंग अक्सर आप लोग वीडियो के जरिए देखते होंगे, जयपुर राजस्थान में हमारा ऑफिस है वहाँ पे होता है, लेकिन अभी जब मुंबई यहाँ पर भी मुंबई के अंदर भी ऑफिस जब से हो गया है तब से यहाँ पर भी नज़दीक के लोग, गुजरात के, महाराष्ट्र के, MP के या तेलंगाना, महबूबनगर, महाराष्ट्र, कर्नाटक साइड के जितने लोग हैं वो यहाँ पर आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके नज़दीक पड़ता है। कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली, तो हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब उन्होंने वीडियो को पहली बार देखा था यूट्यूब पर या जहाँ से भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज़ के बारे में, तब उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में क्या सोचा, और उसके बाद में जब ये उन्होंने यहाँ पर आने का डिसीज़न लिया और यहाँ ट्रेनिंग ले ली, तो लेने के बाद अब इनका क्या नज़रिया है और ये अपने प्लेस पे जाने के बाद इस काम को करने के लिए क्या विज़न रखते हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र के, अपने स्टेट के, अपने एरिया के लोगों को जो है, बच्चों को इस कंसेप्ट से लाभान्वित करेंगे। तो मैं सबसे पहले इन्वाइट करूँगा ममता मैडम को, जो आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज़। सभी को मेरा नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल भोपाल से आई हूँ यहाँ फ्रेंचाइजी के लिए। मैंने 2 दिन की यहाँ ट्रेनिंग ली। जब यहाँ ट्रेनिंग से पहले मैंने वीडियोस देखे थे इनके यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगता था ये ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ना या बुक्स पढ़ना ये सब फेक है, ऐसा हो नहीं सकता। पर जब मैं यहाँ आई, यहाँ मैंने अपनी बच्ची पे खुद पे इन्होंने ट्रेनिंग दी और आज उसने ब्लाइंड फोल्ड करके कलर पहचाना, मतलब एक ही दिन की ट्रेनिंग में उसने काफ़ी कुछ अच्छे से किया, तो मुझे इस पर फेथ हुआ। और यहाँ से जाने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, वो क्या कैरियर चूज़ करें। तो DMIT टेस्ट के द्वारा हम उनको ये समझा सकते हैं कि उन्हें उसके लिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मुझे या बोल के पढ़ना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है या मुझे बोर्ड पे लिख के पढ़ना है। पर DMIT टेस्ट के बाद हम उनको काउंसलिंग करके ये समझा सकते हैं कि उन्हें उनके लिए बेस्ट वे क्या है। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं इसी तरीके से वहाँ जाकर बच्चों को ये समझाना चाहूँगी कि वो क्या कैरियर चूज़ करें और किस तरीके से आगे बढ़ें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसा मैडम ने बताया कि अपने एरिया में जाकर इस कंसेप्ट को बच्चों को इस तरह से देंगे कि उनका जो कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो कि उनके एक बहुत लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली जो क्लास होती है वो 10th क्लास होती है, वही डायरेक्शन देती है 11th में उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। वहाँ पे DMIT बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर मैडम ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, चूँकि बाय प्रोफेशन शी इज़ काउंसलर, अगर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं और इस फील्ड में भी साथ में उड़ते हैं, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को 4 चांद लगा सकते हैं और मैडम जो है बच्चों को इस कंसेप्ट से लाभान्वित कर सकती है। और हम लोग यहाँ बैठे बैठे मैडम के ज़रिए MP के बच्चों को भी इस फील्ड में इस कंसेप्ट से रूबरू करा सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। जैसा कि मैडम की डॉटर भी साथ में आई है, उस बच्ची ने भी इस कंसेप्ट को यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। मेरे हिसाब से 3 या 3.5 घंटे की क्लास उस बच्ची ने ली है, उसमें बच्ची कलर आइडेंटिफाई कर पा रही है, तो हमें उस बच्ची को मोटिवेट करना चाहिए और बच्ची बहुत ज़्यादा और अच्छे से कर पाएगी। अभी मैडम के साथ में मिस्टर वैभव जी भी साथ में हैं, जो इनके साथ में इनके टीम मेंबर के रूप में इनके साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो किस तरह से इस फील्ड को आगे बढ़ाएंगे और इस फील्ड में आगे किस तरह से MP के अंदर प्रोग्राम को बच्चों तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ सर। सभी को नमस्कार। हेलो, मैं वैभव बंसल। और पहले जब मैंने शुरुआत में ये वीडियो देखा था, जो यूट्यूब से हमने वीडियो देखा था फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो उस टाइम ऐसा लगा नहीं था कि मतलब ये ऐसा पॉसिबल भी है कि मतलब बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ देख रहे हैं और कलर बता पा रहे हैं, उसे टच करके, स्मेल करके कलर बता पा रहे हैं। और क्लासेस जो 3-4 प्रोग्राम्स कंपनी ऑफर करती है, उसके बाद बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, ये सब पहले इतना ईजी नहीं लगता था देख के। बट ये 2 दिन की ट्रेनिंग का सेशन लेने के बाद अभी ये मतलब समझ आ रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट ये पूरा एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो हमारे फिंगरप्रिंट और ब्रेन का कनेक्शन है उस पर बेस्ड है। तो अभी भोपाल में हम यही देखेंगे कि मतलब किस तरह से हम उन बच्चों को इस चीज़ से बेनिफिट दिला सकते हैं, किस तरह से उनका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और जो मैंने भी मेरे बचपन में फेस करी ये चीज़ें, जैसे कि मेरा पहले स्टेज फियर हुआ करता था मुझे, जो उस टाइम पे मुझे इस टेक्नोलॉजी का वो नहीं था, अभी इंडिया में नहीं आई है टेक्नोलॉजी, तो अब इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट देना चाहेंगे। थैंक यू।
जो साथ में काम करने वाले हैं इनकी मौसी के साथ में, मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेडीज़ के लिए बिज़नेस बहुत ज़्यादा आसान रहता है करने में, क्योंकि जब हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस है 9 साल हमें इस फील्ड में हो गए, जब हम स्कूल्स के अंदर ये काम करते हैं तो हमसे अक्सर स्कूल के प्रिंसिपल ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके साथ में कोई लेडी ट्रेनर या लेडीज़ आपके साथ इन्वॉल्व है, तब तो आप हमारे यहाँ स्कूल के अंदर संडे संडे क्लास करा सकते हैं, क्योंकि संडे को स्कूल पूरा ऑफ रहता है और वहाँ पर जो स्कूल की जो लड़कियाँ हैं जो एडमिशन तभी लेंगी जब आपके साथ में कोई लेडी स्टाफ आएगा यहाँ क्लास कराने के लिए। अब चूँकि ऑलरेडी लेडी इस कंसेप्ट को लेके जा रहे हैं, या गर्ल्स या कोई लेडी या वुमेन कोई भी इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उन्हें इस चीज़ की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि स्वयं ही लेडी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे से आसानी से काम हो जाता है। हालांकि हमारे साथ में अभी हमारे साथ में टीम में पिछले 4 साल से एक पर्सन और शख्सियत भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जिनका नाम है डॉक्टर एन के शर्मा, जिन्हें आप अक्सर वीडियो में देखते होंगे, और हम लोग खुद इस चीज़ से उत्साहित और अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारे साथ में अगर कोई एजुकेशन सेक्टर का कोई पर्सन जुड़ा हो, वो भी ऐसा जो कि 17 साल से स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं, वो भी रेपुटेड स्कूल जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी रहे और अलग अलग जगहों पे वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पद पे रहे हैं, इनकी स्कूल में भी हमने इस प्रोग्राम को किया और वहाँ पे भी हमें 298 से ज़्यादा बच्चे मिले थे जिन्हें सिखाने के लिए। स्कूल में तो शायद स्ट्रेंथ 800 के आसपास रही होगी और 300 बच्चे हमें ही मिल गए थे, और बाकी छोटे बच्चे मान लो जो हमारी क्लास में नहीं आते हैं, और वहाँ पे भी हमने इस प्रोग्राम को किया। तो मैं सर से जानना चाहूँगा सर का क्या एक्सपीरियंस रहा, और सर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो ये इतनी जगहों पर पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर हम लोग सेमिनार के लिए जाते हैं तो लगभग सब जगह सर साथ में रहते हैं, तो इनका क्या अनुभव रहता है हर जगह बच्चों को देख कर, या इवन हमारे साथ अभी रिसेंटली कल ही मुंबई की सेंट मेरी स्कूल नालासोपारा वसई में हम लोग जाकर आए हैं, तब भी हमारे साथ में सर थे, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है बच्चों को लेके इस कंसेप्ट के लिए, और उनके पेरेंट्स का क्या रेस्पॉन्स रहता है इस सेमिनार को देखने के बाद में। तो मैं सर से आग्रह करूंगा, सर अपना एक्सपीरियंस जितने कम शब्दों में ज्यादा दे सकते हैं उतना दीजिए प्लीज। थैंक यू विनीत सर, माय एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्रोग्राम इज वेरी फैंटास्टिक। अराउंड 4.5 years बैक व्हेन यू एंड विपुल सर केम विद द चाइल्ड, इनिशियली आई आल्सो कुड नॉट बिलीव हाउ इट इज पॉसिबल, बट व्हेन द क्लास वाज कंडक्टेड मोर देन 290 स्टूडेंट्स वर देयर, आई चेक रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड देयर आफ्टर द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, एवरी चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड फ्रॉम 10% टू 35%, अप टू दैट लेवल देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, देयर कॉन्फिडेंस लेवल हैज गॉन अप एंड ओवरऑल देयर पर्सनलिटी हैज इंप्रूव्ड, देयर स्टेज फोबिया हैव कम डाउन, they were able to speak in English also. All this I have seen myself in my school later on when I had been with the sir in different schools, and the same experience was there also. Yesterday also we had been to Nalasopar in one of the school, the children were so thrilled after seeing especially the NLP and demo of the sir, they could not believe that how so many digits sir can immediately recall facing without facing the board, just his back was on the board and he was able to recite all the numbers so quickly. So I'll say that, and today also in our training program this girl she has done a fantastic demo. I could not believe the very first day child within a 3.5 hour training program whether she can recognize the colors so quickly, and first time we had tested whether she can even the identify the photograph also. To our surprise she was able to identify that also, because so far we never tried, we are just checking only the object, but photograph we never tried on the very first class. Today she has done, and I really we are very much thrilled, and ultimately I would like to thank to our MD sir who has given me opportunity to join this organization. And one more special thing I want to say that around 20 years back in Japan this mid-brain course was conducted on 18,000 children. After 20 years their survey was conducted, and now each and every person has become multi-millionaire. If that thing that kind of multi-millionaire people can be converted in Japan, why not India? So our Prime Minister Mr. Modi is trying to uplift our country. I request our government that they should make this your DMIT and mid-brain mandatory in each and every school so that we can also compete with Japan. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। सर ने जो जापान का जो इंसिडेंट बताया वहाँ की बात बताई, उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं दो बात और बताना चाहूँगा, वो आप यूट्यूब पर गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने DMIT के ऊपर जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो जो उनका हमारे पास में भी है और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर
इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट से आग्रह किया है कि आप इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर तैयार करें जिससे बच्चों की जन्मजात प्रतिभा के बारे में पता लगाया जा सके और उसे उस फील्ड में अग्रसर किया जा सके। तो उनकी निगाह भी इस साइड या उनका ध्यान भी इस कंसेप्ट की ओर आकर्षित हो रहा है। मैं आपको बराक ओबामा जी की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप उनका भी वीडियो देखते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के ऊपर, तो आपको जानने को मिलेगा कि उन्होंने अमेरिका, फ्लोरिडा और ऑरलैंडो के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है जिसमें मिड ब्रेन के ऊपर रिसर्च चल रही है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं कि उन्होंने रिसर्च करके ये चीज़ बताई है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बराक ओबामा जी खुद तो बोल ही रहे हैं लेकिन उनके अलावा उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं कि इस के एक्टिवेशन से बच्चों में क्या क्या परिवर्तन और चमत्कार या बच्चे के डेली लाइफ के अंदर क्या उसके व्यक्तित्व के अंदर जो निखार देखने को मिल सकता है। तो जब इतनी बड़ी हस्तियां इसकी तरफ ध्यान उनका इस साइड में हो रहा है तो हमारे को तो ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से और करनी चाहिए ताकि ये आवाज़ उन तक जा सके और इस कंसेप्ट को और तेज़ी से इस मुहिम को चलाया जा सके। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा, कहने में छोटी अदरवाइज़ काफ़ी बड़ी रोल अदा करेगी आपकी लाइफ के अंदर। इस कंसेप्ट को लेके यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपने एरिया में जाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जाने के बाद कम से कम 10 लोगों के, चाहे मिलने वाले हों, चाहे आपके परिवार वाले फ्रेंड हों या कोई अननोन लोग हैं जिनके हों, उनके फिंगरप्रिंट एटलीस्ट 10 लोगों के आप लोग लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिंगरप्रिंट लेने की। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद जब आप उसकी काउंसलिंग करते हैं तो उसकी काउंसलिंग डायरेक्ट ना करके उस काउंसलिंग को रिकॉर्ड करके हमारे को भेजिए तो हम लोग आपको ये बता सकेंगे कि आप जो काउंसलिंग करने वाले हैं उसमें कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ की जा सकती है, या ऑलरेडी आप बहुत अच्छी कर रहे हैं तो उसको आपको सिग्नल दिया जा सकता है बहुत अच्छा है इसे आप कर सकते हैं। तो आप ये सपोर्ट हमसे ज़रूर लीजिए, उसके बाद ही किसी स्कूल को अप्रोच कीजिएगा क्योंकि अगर DMIT के ऊपर आपकी कमांड अच्छी बनती है तो आपके मुँह से इस सब्जेक्ट की काउंसलिंग के बाद टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से निकल जाती है तो आप स्कूल के अंदर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अटकेंगे नहीं और उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उस प्रिंसिपल को समझा सकेंगे। अभी मैं अपनी बात को तो विराम दे रहा हूँ लेकिन हमारे कैमरा के ऊपर एक पर्सन और खड़े हैं जो यहाँ की बैकबोन है कंपनी की, जिनका नाम है रविशंकर जी, जो यहाँ ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं, साथ साथ में टेक्निकल मैनेजर है, जो आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपने एरिया में जाके काम स्टार्ट करते हैं तो आपको हमारे यहाँ से 5 तरह की सपोर्ट क्या क्या मिलने वाली है वो आपको रवि सर से मैं आग्रह करूँगा, वो आएँ और बताएँ। पोज करो। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेने आए वैभव जी, शुभम जी, ममता मैडम एंड उनके फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई, और मैम प्रिया जी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए और ट्रेनिंग कंटिन्यू इनकी चल भी रही है और शुभम जी की वगैरह तो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आप जाएंगे तो ट्रेनिंग लेकर जाने के बाद हमारी तरफ से क्या सपोर्ट रहते हैं, आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी रहती है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं? ट्रेनिंग ले ली आपने, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। देन आप यहाँ से जब ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो हमारी तरफ से जो मिलने वाले सपोर्ट है वो इस तरह से है कि जैसा सर ने भी आपको बताया कि यहाँ से जब जाओ आप तो कम से कम 10-12% के DMIT टेस्ट लेने के लिए आप फिंगरप्रिंट लो उनके। फिंगरप्रिंट लेने में आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो, वो हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिपोर्ट बना दी और काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग के लिए जो रिपोर्ट जिनकी काउंसलिंग करना चाह रहे हो वो आप रिपोर्ट हमें भेज सकते हो ताकि हम अपनी तरफ से उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेजेंगे। अब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारी तरफ से तो मिलेगा ही, लेकिन आपने क्या सीखा, आप किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी तरफ से जो आप काउंसलिंग सीखे हैं आप बताते हैं किसी का, एक डेमो के तौर पे आप किसी भी रिपोर्ट भेजें और हमें काउंसलिंग करके यहाँ पर भेजें ताकि आपका जो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कुछ ऐड करना है और कुछ, ठीक है, तो वो हम अपनी तरफ से बताएंगे। अब यहाँ से जब आप वो सारी चीज़ें आपने कर ली है, अब स्कूल के लिए आप प्रोसीड करने वाले हैं, स्कूल में जाने वाले हैं, तो स्कूल में जाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है स्कूल में जाने के लिए, यहाँ से आपको प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने के दौरान आपको कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई भी आप वहाँ से, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप निश्चित रूप से आप कंपनी को कॉल कर सकते हो और कंपनी के मार्केटिंग टीम मेंबर को आप जानकारी देकर आप जो भी आप पूछना चाहते हो या फिर जो आप प्रिंसिपल से बात करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट बात करवा सकते हो। हमारी तरफ से 100% आपको सपोर्ट मिलता है ताकि आपकी स्कूल कन्वर्ट हो, आपकी स्कूल कन्वर्ट होगी तो हमारा भी एक प्लस पॉइंट है कि वो स्कूल ऐड होगी उसमें।
सो आप वहाँ पर जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे, वहाँ से लेकर आपको स्कूल में सेमिनार की परमिशन मिलती है, तो यहाँ से सेमिनार के लिए टीम मेंबर की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से टीम मेंबर यहाँ से आएंगे। आप 7 से 8 दिन पहले बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है और अब हम स्कूल में सेमिनार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सेमिनार होने वाला है, तो इस डेट को आपको आना है टीम मेंबर्स को, तो टीम मेंबर बिल्कुल वहाँ पर आपके वहाँ पर आएंगे और सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें 1 पर्सन 2 पर्सन रहेंगे, सेमिनार के टीम मेंबर हमारे रहेंगे जो कि सेमिनार करते ही रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में विजिट करते रहते हैं सेमिनार के लिए, और एक डेमो का बच्चा भी रहेगा ताकि आपके लोकल प्लेसेस पे दिखाने के लिए इजी रहे कि कैसे बच्चों के रिजल्ट आते हैं, क्या बच्चों को बेनिफिट मिलते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जैसे ही सेमिनार के लिए वो पर्सन आते हैं और उस दौरान आपके जो भी एडमिशन होते हैं, जो भी आप उससे रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, जो भी आपको इनकम होती है, उसमें कोई कंपनी का कोई चार्जेस देना नहीं रहता है, बस उनके आने जाने का और उनके रहने का जो एक्सपेंसेस है, मान लो एक दिन रुक रहे हैं तो उनके आने जाने का जो एक्सपेंसेस है वो आपको देना रहेगा, 2 दिन और 3 दिन और रुकवा रहे हो आप उनको तो उनके होटल में स्टे करने का, खाने पीने का वो आपको पे करना पड़ेगा, सो पे करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं जो भी होटल्स है वगैरह। देन इसके बाद आपने सेमिनार किया, स्कूल में एडमिशन हो गए बच्चों, लाइक वर्कशॉप होने वाले हैं, तो वर्कशॉप के लिए भी अगर आपको ट्रेनर की हेल्प चाहिए तो वो ट्रेनर वहाँ पे आपके प्लेसेस पे आएगा, और वहाँ का भी यही टर्म्स है कि वो जब जब आपके यहाँ पे आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का जो एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना होगा, बाकी आपका उसमें से कोई इनकम चार्जेस, हिडन चार्जेस, रॉयल्टी अमाउंट कुछ कंपनी को पे नहीं करना होता है। सो इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। देन आपको अगर ज़रूरत है कि आपको लोकल एरिया में अपना एडवर्टीजमेंट चलाना है, वैसे तो हमारी तरफ से आपको स्कूल, हम तो ये कहते हैं कि आप स्कूल में अप्रोच करो, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बेनिफिट दे सकते हो, सिंपल है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे, उनको बेनिफिट दोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प से आप लोकल एरिया में ऐड चलवा सकते हो, तो कंपनी के टीम मेंबर दीपक जी है, ठीक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चलवा कर अपने लोकल एरिया में उसके एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी करवा सकते हो। सो इस तरह से आप इसको प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, थैंक यू सो मच, और कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, थैंक यू सो मच। रवि सर, और अभी हम लोग प्रोग्राम को समअप करने की ओर है, हमारे साथ में जितने लोग मौजूद हैं और जिन्होंने यहाँ फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग ली है, अभी हमारे टीम 360 के पार्ट बन चुके हैं, ये अपने एरिया में जाके बहुत अच्छे से काम करें, पूरे उत्साह जोश जुनून के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और अगर इन्हें किसी भी हेल्प की अपेक्षा रहती है हमसे तो बेझिझक आप हमें बता सकते हैं, ज़्यादातर आपको स्कूल में सेमिनार के लिए टीम मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो आप स्वयं खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत रहती है तो आप हमें निश्चित ही फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर बात कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, निश्चित ही आपको हेल्प दी जाएगी। आप सभी लोगों ने हमें इस पेशेंस के साथ सुना, थैंक यू वेरी मच, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे संडे नई फ्रेंचाइजी के साथ में, थैंक यू वेरी मच।